नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS पॉइंट के YouTube चैनल पे। दोस्तों हम लोग जो है कल मतलब सैटरडे तक चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस हुआ था, आज मंडे को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जल संसाधन। किसके बारे में? जल संसाधन के बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं, जानेंगे जल संसाधन क्या है। मतलब जल संसाधन में पूरा विस्तार से एकदम अच्छे से हम लोग क्या है डिस्कस इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है हम लोगों को, देख लेते हैं। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर उड़ीसा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया। तो ये जो है चिंटू किससे कह रहा है? पिंकी से कह रहा है कि जो उड़ीसा में बाढ़ आई है उसकी रिपोर्ट तुमने देखी, जो सब कुछ हुआ है वह दिल दहला देने वाली बात कही गई है। तो जो है, तो अब देखो पिंकी क्या कहती है। हाँ चिंटू, मैंने क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? मतलब चिंटू ने जो है पिंकी कह रही चिंटू से, हाँ मैंने देखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ें के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती। मतलब जो है पिंकी के पिताजी जो हैं बता रहे थे पिंकी से कि उनके कारखाने में बहुत से जल की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है? कारखाना जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा हुई बिजली से चलता है। मतलब जो बिजली पैदा होती है वो जल से होती है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरने पोखरे आदि मतलब पास क्यों बसता था। ये जो है मतलब अब समझ गई है पिंकी कि इंसान जो है नदी पोखरे झरने और इन सब के पास क्यों आखिर बसता था, जल का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व तो है, इन सब से समझ में आ गया इस कहानी से। एक कहानी टाइप का है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये पॉइंट को कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। मतलब जो विश्व का 3/4 धरातल है वह जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब कि प्रयोग में लाने के वाले योग्य जो है अलवणीय जल का अनुपात क्या है, बहुत कम है। यह लवणीय जल हमें सतही अपवाहों और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। जो यह अलवणीय जल है वो किसे प्राप्त? भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। भूमि के अंदर से जो जल स्रोत है उससे प्राप्त होता है। पृथ्वी तो जो है 71% जल से ढकी हुई है ना, पर क्या है कि 71% ढकी तो है, कितने प्रतिशत जल से? 71-70 है, याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पृथ्वी कितने प्रतिशत जल से ढकी हुई है। तो सारे जल तो लवणीय हैं, तो जब पीने योग्य जल कहाँ से आते हैं? तो भौम जल स्रोत से पीने योग्य जल आते हैं। कहाँ से? भौम, भूमि के अंदर जो जल है वहां से आते हैं, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र और गतिशील रहता है, जिसके कारण नवीकरण सुनिश्चित होता है। जो ये सारा जल रहता है जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे एक नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 जल से घिरा है और जल नवीकरण योग्य संसाधन जो है, मतलब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देश जल की कमी कैसे है, ये सोचने वाली बात है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जाती है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल के नितांत की कमी झेलेंगे? झेल भी रहे हैं, गर्मियों के टाइम में झेलते नहीं है, चेन्नई वन्नई की वो हाल हो जाती है कि पूछा मत। मतलब पानी के लिए लोग एकदम त्राही त्राही हो जाते हैं, तो झेल ही रहे हैं। जल के कुछ आंकड़े अब हम लोग देख लेते हैं कि जल के आंकड़े जो हैं,
विश्व में जल का के कुल आयतन 96.5% भाग है, महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलमणीय जल है। मतलब विश्व के जल कुल आयतन जो है 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलमणीय जल है। विश्व का जो है 96.5% भाग महासागरी पाया जाता है और 2.5 अलमणीय जल है। विश्व के अलमणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र के बर्फ चादरों और हिमनद के रूप में मिलता है। जो विश्व का अलमणीय जल है इसका 70% भाग जो है अंटार्कटिका के ग्रीनलैंड क्षेत्र की बर्फ चादरों और हिमनद के रूप में मिलता है। मतलब 30% में जो पूरा दुनिया का जो भौम जल है और 70% अकेले यहाँ पे है, जलभृत है के रूप में पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग, विश्व की वृष्टि को। हम जो यहाँ पे विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा जो है, विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा जो प्राप्त करता है और व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व का 133वां भाग है। मतलब भारत के विश्व वृष्टि में जो है 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का एक मतलब 133वां स्थान है। पर ये पुरानी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट में कुछ और ही होगा। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किमी प्रतिवर्ष अनुमानित है। मतलब भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन जो हैं 1897 वर्ग किमी प्रतिवर्ष अनुमानित हैं और भविष्यवाणी की जाती है कि वर्ष 2025 में भारत इसका बड़ा हिस्सा होगा। ये भविष्यवाणी की जाती है कि 2025 में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अब देखते हैं हम लोग, ये जो है विश्व के अन्य देशों क्षेत्रों की जल सतह को की नितांत कमी महसूस करेगा। भारत जो है विश्व के अन्य क्षेत्र देशों में की तरह जल की नितांत कमी भी महसूस करेगा। ये किसकी रिपोर्ट है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा।